ओके okay जी सो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द फ़र्स्ट ऑफिशियल वीडियो ऑफ कंटेंट राइटिंग कोर्स जो मैं आपको फ्री में करवा रही हूँ जैसे आप पिछली वीडियोस में जैसे हम देख चुके हैं इंट्रो वीडियो में कि कितने पैसे मैंने कमाए और इससे बहुत बहुत ज़्यादा मेरे स्टूडेंट्स कमा रहे हैं और आप भी कमा सकते हैं तो चलते हैं इसके अंदर के कॉन्टेंट राइटिंग जो है, है क्या और इसकी कितनी टाइप्स हैं सो so, मार्केटिंग जो है बेसिकली इंटरनेट पे मौजूद रहने के लिए दुनिया में मौजूद रहने के लिए ब्रांड को सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है उसकी मार्केटिंग उसकी सेल्स उसी से आएंगी और मार्केटिंग की जो बैकबोन है दैट इज़ कंटेंट अच्छा कंटेंट बनेगा तो ही आप अपनी ऑडियंस से कनेक्ट कर पाएंगे आपके पास ज़्यादा लीड्स आएंगी और उनमें से भी ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जनस होंगी ठीक है लीड्स क्या होती हैं कन्वर्जनस क्या होती हैं ये मैं आपको समझाती रहूँगी साथ, साथ आपने परेशान नहीं होना लीड होती है बेसिकली जितने लोगों ने आपको पोटेंशियल कस्टमर ने कांटेक्ट किया जो जो लोग आपसे राबे में आए सौ लोग मुझे रबता करते हैं कि मैं आपकी चीज़ खरीदना चाहता हूं लेकिन उनमें से दस खरीदते हैं तो जो दस खरीद रहे हैं वो हमारी कन्वर्जनज हैं जिन्होंने ख़रीद लिया ये हो गई कन्वर्जन और सौ ने पूछा जिन्होंने पूछा वो लीड थे वो फिर कन्वर्ट हो गए जब उन्होंने ख़रीदा ठीक है सो Uh, साथ साथ इस तरह की जो भी टर्म्स आएंगी मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करती रहूँगी बिज़नेस अकॉर्डिंग के हवाले से अच्छा सो डिफरेंट टाइप्स होती हैं कॉन्टेंट राइटिंग की जिससे हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर और डिफरेंट टूल्स के थ्रू अपनी ऑडियंस तक पहुँच सकते हैं अब तो uh, बहुत ज़्यादा जल्दी सारा लैंडस्केप चेंज हो रहा है और हम देख रहे हैं नए से नए टूल्स चैट जीपीटी और एआई ने धूम मचाई हुई है सिंथिस डॉट आई ओ और बहुत कुछ आ चुका हुआ है आ, इन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे कोर्स में आगे जाके अभी तो हम स्टार्ट करते हैं कि बेसिक टाइप्स क्या होती हैं कॉन्टेंट राइटिंग की कॉन्टेंट राइटिंग के बारे में ना आप गूगल पर तीन चार जगह पढ़ेंगे तो आपको तीन चारों में मे भी डिफरेंट आंसर्स मिले कोई कहेगा चार टाइप्स होती हैं कोई कहेगा एक सात टाइप्स होती हैं कोई इलेवन में भी इसको डिवाइड कर लेते हैं बट मैंने आ, उसकी जो चीदा चीदा टाइप्स हैं वो सारी आपके लिए लिस्ट डाउन की है आप में मैं परेशानियों ने अगर आप कहीं पाँच पढ़ लें कहीं आठ पढ़ लें बेसिक टाइप्स यही हैं कोई उनको ज़्यादा जैसे कॉपी राइटिंग भी एक पार्ट ऑफ कॉन्टेंट राइटिंग है बट समाइम्स लोग इसको बिल्कुल अलीहदा से डिस्कस कर होते हैं सो so, uh, परेशानी होना और uh, चलते हैं आगे अपने कॉन्टेंट राइटिंग के टाइप्स की तरफ ठीक है उसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं नंबर वन पे हमने लिखी है ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग मोस्ट पॉपुलर आई थिंक कॉन्टेंट राइटिंग की टाइप है जब हम किसी से पूछते हैं कॉन्टेंट राइटिंग अगर उसे और कुछ पता है या नहीं पता उसे यह जरूर पता है कि उसके अंदर ब्लॉग होते हैं ब्लॉग लिखते हो सो so, ब्लॉग क्या होते हैं यूजली इंफॉर्मेटिव पीस ऑफ कॉन्टेंट होता है इसके ऊपर हम पूरी क्लास लेदे से भी बल्कि पूरा मॉड्यूल करेंगे अभी परेशान नहीं होना ईच टाइप के ऊपर पूरे पूरे मॉड्यूल्स करेंगे अभी सिर्फ बेसिक्स बता रही हूँ आपको जिसके अंदर ब्लॉग के थ्रू हम अपनी एस बेहतर कर सकते हैं सर्च इंजन में बेहतर रैंक कर सकते हैं जो वेबसाइट्स या जो बिजनेसेस ब्लॉग्स लिखते हैं गेस्ट पोस्ट करते हैं या इंटरनल लिंक्स के थ्रू या एक्सटर्नल लिंक्स के थ्रू अपने ब्लॉग पे ट्रैफिक जनरेट करते हैं उनकी कन्वर्जनस अमूमन बहुत ज़्यादा होती हैं और वो रैंक भी कर जाते हैं सो so, तरीका यही होता है कि हमने रेलिवेंट कीवर्ड्स फाइंड आउट करने होते हैं कि लोग हमें किन चीज़ों से ढूंढ रहे हैं हमारे बिज़नेस के बारे में क्या सवाल उनके जहन में हम क्या बताना चाहते हैं इससे बाहर निकलना पड़ेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कीवर्ड रिसर्च के ऊपर जब हम इस पर जाएंगे तो इस बारे में भी बात करेंगे कि कीवर्ड हम इस तरह टाइप करते हैं जैसे हम अपने बिजनेस को खुद देख रहे हैं लेकिन हमने इस तरह देखना है कि यूज़र जो एंड यूज़र है जो बायर है पोटेंशियल कस्टमर है जो लीड है जिसने कन्वर्ट होना है जो एंड में, में मेरा बायर बनेगा वो मेरी प्रोडक्ट के बारे में या मेरी सर्विस के बारे में या मेरे बिजनेस के बारे में क्या सवाल पूछता है या पूछना चाहता है सारे टूल्स भी डिस्कस करेंगे कि कैसे कीवर्ड निकाले जाते हैं क्या टूल्स हैं सारी चीज़ इंटेंशन कीवर्ड क्या होता है एलएसआई क्या होता है एवरीथिंग ठीक so, है सो वो ब्लॉगिंग का पार्ट है ब्लॉग आइडियली जो होते हैं थाउजेंड वर्ड्स से वैसे लेस होते हैं बाई डेफिनेशन लेकिन अब उसकी कोई फिक्स डेफिनेशन भी नहीं रहेगी तो हम ये भी नहीं कह सकते आ, हम देखते हैं टॉप रैंकिंग ब्लैक ब्लॉग्स जो गूगल के ऊपर हैं वो 1800 से 2400 के दरम्यान उनकी एवरेज लेंथ होती है तो ये तो ऑलरेडी थाउजेंड से ऊपर है फिर जो बड़े ब्लॉगर्स हैं मैं जैसे अक्सर जिक्र करती हूँ नील पटेल उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है छः छः हज़ार लव्स के ब्लॉग आठ आठ हज़ार वर्ड्स के ब्लॉग आना शुरू हो गए अब तो मार्केट में सो इसके अंदर कोई स्पेसिफिक लेंथ नहीं है बट आइडली थाउजेंड से नीचे छोटे छोटे ब्लॉग का मकसद बेसिकली ये होता था स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेयरनेस बेस्ड कॉन्टेंट या कन्वर्जन बेस्ड इवन कॉन्टेंट छोटे छोटे पीसिस ऑफ इफॉर्मेशन अपडेट्स अबाउट जैसे हम ब्लॉग करते हैं अपनी डेली लाइफ के बारे में इस तरह ब्लॉग हमारे बिजनेस के बारे में होता है सो दैट्स अबाउट इट एवरेज लेंथ फाइव हंड्रेड भी हो सकती है थ्री फिफ्टी भी हो सकती है लेकिन अब आजकल मार्केट में से लेंथ ब्लॉग चल रहे हैं ये आपके क्लाइंट के या जिसके लिए आप कॉन्टेंट लिख रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है जब हम ब्लॉग लिखेंगे या ब्लॉग को लिखना सीखेंगे तो उसके अंदर मैं आपको बता दूंगी कि आप जिस इंडस्ट्री में रह रहे हैं उसके अंदर आपने ब्लॉग का कंटेंट कैसे बनाना है उसकी क्या लेंथ होनी चाहिए किसी भी बारे में ब्लॉग किया जा सकता है उसके डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स हो सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ब्लॉग के बारे में यह है कि वो एक कॉन्वर्सेशनल स्टाइल में लिखा जाता है यानी जैसे हम आपस में बात करते हैं आप अपने कस्टमर से बात कर रहे होते हैं उसमें मकसद है हमारा कि हम कस्टमर को इन्फॉर्म करें उसको बताएं उसको आगाह करें एजुकेट करें ठीक है और एंटरटेन भी कर सकते हैं ठीक है और उसका वक्त भी अच्छा गुजरे वो कुछ सीखे भी और उसको मजा भी आए अच्छा फिर आ गई कॉपी राइटिंग कॉपी राइटिंग कोर है अच्छी वेबसाइट और एड कॉपी बनाने की कॉपी राइटिंग क्या होता है बेसिकली कॉन्टेंट राइटिंग इज ऑल द टाइप्स ऑफ कॉन्टेंट दैट वी आर राइटिंग फॉर द इंटरनेट कॉपी राइटिंग उसका पार्ट है जैसे फिजिक्स uh, साइंस का पार्ट होता है बट ये कॉपी राइटिंग बेसिकली वो कॉपी है जो सेल्स के लिए लिखी जाती है सही है यानी आपने अपने लैंडिंग पेज पे कुछ बेच रहे हैं वहाँ पे आपने सेल्स के लिए जो टेक्स्ट लिखा जो कॉपी लिखी उस पेज की वो कापी राइटिंग है आपने फेसबुक एड का टेक्स्ट लिखा वो कॉपी जो ऐड कॉपी है वो वहाँ पे लगेगी उसको पढ़ेंगे लोग तो सेल होगी वो कापी राइटिंग है सो कॉपी राइटिंग इज़ बेसिकली राइटिंग एम्ड एट सेल्स ठीक है सो so, इसके अलावा तो आपका लोन अगर इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट हम बनाते रहेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है हम लोगों को बेचेंगे जब चीज़ें तभी हमें फ़ायदा होगा कि हमें पैसे आ रहे हैं so, सो इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें आ सकती हैं वेबसाइट कॉपी हम डिस्कस करेंगे पूरी उसको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन सेल्स को लेटरल एडवर्टीजमेंट्स प्रेस रिलीजेस प्रिंट एड्स इन्फोग्राफिक्स ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आ, इसके अंदर अपने कोर्स के अंदर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के ऊपर पूरी क्लास है किसी किसी के ऊपर अगर नहीं भी होगी अगर आप चाहते होंगे तो आप मुझे कमेंट्स में बताते रहना मैं उसके ऊपर बनाती रहूँगी अब आगे चलते हैं इन्फोग्राफिक्स का लफ्ज बीच में नया है थोड़ा सा उसको रुक के एक्सप्लेन कर दूँ पहले जिन लोगों को नहीं पता इन्फोग्राफिक गूगल पे देख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल इन्फोग्राफिक होता है बेसिकली इंफॉर्मेशन प्लस ग्राफिक आपने अक्सर देखे होंगे जो हेल्थ के और इस तरह के अक्सर गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं हॉस्पिटल्स में लगे होते हैं स्कूल्स में लगे होते हैं ये ठीक है आईटी में तो बहुत कॉमन है सो इन्फोग्राफिक इज दिस टाइप्स ऑफ शेप्स जिसमें हम ग्राफिक्स के थ्रू इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर रहे हैं यानी यहां पे हम कह रहे हैं टेन स्टेप्स फोर पार्ट्स ऑफ समथिंग स्टैट्स दिखा सकते हैं कि डिड यू नो इतने परसेंट लोग इतना पैसा कमाते हैं ब्ला 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 सही है सो so, ये सारे इन्फोग्राफिक्स होते हैं सो इन्फोग्राफिक्स भी पार्ट ऑफ सेल्स कॉपी एंड कॉपी राइटिंग है ठीक है आ, फिर कंटेंट राइटिंग का जो बेसिक हम कहें कि कोर है वो कापी राइटिंग है और आ, आपकी कंटेंट मार्केटिंग पजल का एक बहुत ज़रूरी ज़रूरी हिस्सा भी आ, इसमें आप देखेंगे कि कस्टमर्स की पेन पॉइंट क्या होते हैं उनको हमने कैसे ट्रिगर करना है बाइंग कहते हैं हमेशा इमोशनल होती है लॉजिकल नहीं होती इंसान सोच के बाइंग नहीं करता बल्कि एहसास में आके और, और अपनी ज़रूरत के मुताबिक और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक चीज़ों को बाई करता है सो so, आपने उसके अंदर ये ख्वाहिश कैसे पैदा करनी है आपने उसके दुखती रख को कैसे पकड़ना है उसको कैसे जांचना है और उसका हल कैसे देना है प्रॉब्लम का सलूशन कैसे देना है अपने लफ्ज़ ऐसे कैसे बांधने हैं कि अगला कन्वेंस हो जाए और यही तो अच्छी राइटिंग का कमाल है कि हिस्ट्री बदल सकती है सो so, इसके बाद हम चलते हैं सोशल मीडिया पोस्ट के ऊपर ये थर्ड टाइप है आ, सोशल कंटेंट जिसको हम कहेंगे सोशल मीडिया पोस्ट तो नहीं सोशल कंटेंट फेसबुक के लिए, लिए लिखा जाए इंस्टाग्राम के लिए लिखा जाए यूट्यूब के लिए लिखा जाए वो बहुत सारे जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स है ट्विटर है उसके लिए लिखा गया कॉन्टेंट सोशल होता है और क्या आप जानते हैं कि दुनिया में फिफ्टी आबादी सोशल मीडिया पर मौजूद है ये तो अब जब हम बात कर रहे हैं तो ये फैक्ट और भी बहुत चेंज हो चुका होगा सो लेट्स से सिक्सटी परसेंट लोग इस वक्त सोशल मीडिया पे दुनिया में शिफ्ट हो चुके हुए हैं और एवरेज डेली यूज़र जो है वो डेली के ढाई घंटे तीन घंटे सोशल मीडिया पे स्पेंड कर रहा है और हीज uh, ऑडियंस है बिज़नेस को चाहिए कि वो सोशल मीडिया पे जाए और अगर वो वहाँ पे अभी तक नहीं है तो वो बहुत कुछ मिस आउट कर रहा है uh, बिज़नेस के लिहाज से जो एक इंपॉर्टेंट सोशल मीडिया है वो लिंकडिन भी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और बहुत पुराना बहुत इफ़ेक्टिव और बहुत प्रिसाइज प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के लिए सोशल मीडिया में हमने क्या करना होता है इसके ऊपर हम कंप्लीट मॉड्यूल रखेंगे बट उसमें हमने यूजली यही करना है कि हमने कंटेंट बनाना है जो प्लेटफॉर्म से भी मिलता जुलता हो मौजूदा हालात के तनाजुर में भी हो ट्रेंडिंग हैश जैसे हमने कैसे फाइंड आउट करने हैं कोई बात चल रही है तो उसके बारे में अपना टेक कैसे देना है बैकलिंक्स कैसे लेने हैं ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर रहते हुए कैसे करनी है ठीक है एंड आपको हर स्पेस के लिए समझना पड़ेगा बल्कि समझाऊंगी कि अगर लिंकड पे राइटिंग करनी है तो वो सीरियस है प्रोफेशनल है एक टोन में है आपके ब्रांड का वॉइस उसमें बिल्कुल सीरियस नज़र आ रहा है एंड अगर हम यही राइटिंग फेसबुक uh, पे लेके जाएंगे तो मे बी इट वॉन्ट वर्क देयर क्योंकि वहाँ पे सीरियस लोग नहीं हैं अगर हम वही उठा के टिकटॉक पे ले जाएं तो वहाँ तो वो बिल्कुल नहीं वर्क करेगी क्योंकि वहाँ तो बहुत यंग लोग हैं और इंटरटेनमेंट बेस्ड कंटेंट है सो so, हर प्लेटफॉर्म के लिए कंटेंट कैसे बनाना है और ईच प्लेटफॉर्म की तकाज़ों को मीट कैसे करना है इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे ठीक है जैसे इंस्टाग्राम से वेबसाइट ट्रैफिक लाने की कोशिश कर रहे हैं आप तो आप वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि इंस्टाग्राम से आपके ब्लॉग पर वेबसाइट ट्रैफिक नहीं आती लेकिन अगर फेसबुक से हम ब्लॉग पर वेबसाइट ट्रैफिक लेके जा रहे हैं तो उसकी परसेंटेज ज़्यादा है उसकी रेशो ज़्यादा है सो so ऐसा बहुत सारी चीज़ें होंगी जो हम डिस्कस करेंगे सोशल मीडिया कॉन्टेंट के अंदर और इंगेजिंग लोगों की नब्स को पकड़ने वाला कॉन्टेंट कैसे लिखना है फिर आगे ई मेल्स ई मेल्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जी फोर्टी फोर हंड्रेड परसेंट ई मेल्स का आर ओ आई होता है यार हमें ये बात कब समझ आएगी इट्स अ वेरी वेरी हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कोई बिजनेस कैन ओनली इमेजिन फोर्टी फोर हंड्रेड परसेंट आर ओ आई क्रेजी 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 सही है तो अब ये कॉपी राइटिंग का पार्ट भी है समटाइम्स आप कहीं कोई वेबसाइट पढ़ेंगे या कहीं पे देखेंगे वो कहेंगे ये कॉपी राइटिंग का पार्ट है है लेकिन चूंकि इसकी इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है और इसको इतना कम डिस्कस किया गया है इसलिए मैंने इसको अलीहदा से एक नहीं ओवरऑल दुनिया में किया गया मैं अपनी लोकल मार्केट में बात कर रही हूँ कि हमें इतनी अवेयरनेस नहीं है अच्छी ई की स्ट्रेंथ की और उनका कितना मैसिव रिस्पॉन्स हो सकता है और डाटा की क्या वैल्यू है तो खैर इसलिए इसको मैंने अलीहदा से एक कैटेगरी के तौर तो पे यहाँ पे रखा है आप अपने लॉयल फैंस और अपने कस्टमर्स को अपने साथ इंगेज रखते हो उनको बताते हो कि जिंदगी में क्या चल रहा है और आगे आपका बिजनेस किस तरफ जा रहा है उनके लिए क्या डील्स हैं क्या डिस्काउंट्स हैं नॉट ओनली दैट बल्कि आप आ, और भी बहुत कुछ है ई मेल्स के अंदर बट uh, इसका जो अप्रोच है ई मेल का वो ऑब्वियसली डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अदर टाइप्स ऑफ कॉन्टेंट राइटिंग क्योंकि ये एक uh, लहदा चीज है ओके okay, उसके बाद हमने एक बीच में रह गया ये टेक्निकल और लॉन्ग फॉर्म कॉन्टेंट टेक्निकल और लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बहुत कम कंटेंट कंटेंट राइटर्स होते हैं जो इसको लिखते हैं लेकिन फिर लिखते भी हैं जो लोग रिसर्च वर्क में इन्वॉल्व हैं या जिन्होंने कोई ग्रांट्स राइटिंग करनी है या जिन्होंने लीगल राइटिंग करनी है जिन्होंने बिजनेस का कुछ करना है ऐसे लॉन्ग फॉर्म प्रपोजल्स या लॉन्ग फॉर्म चीज़ें क्रिएट करनी है एंड इवन इसके अंदर हम टेक्निकल कॉन्टेंट या लॉन्ग फॉर्म के अंदर वो भी होते हैं क्या कहते हैं उसको मैनुअल्स जो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ आते हैं मैनुअल्स अक्सर और इस तरह की चीज़ें हैं सो so, वो भी लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में आती हैं ईजिएस्ट uh, भी हो सकता है और डिफिकल्ट भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस बारे में लॉन्ग फॉर्म कंटेंट लिखने लगे अगर तो आपकी नीच है आपका मतलब शौक़ है आपके उसके बारे में रिसर्च है आप उसके बारे में अच्छी तरह लिख सकते हैं लेकिन अगर आप उस इंडस्ट्री में नए हैं और आपको इतना आइडिया नहीं है चीज़ों का तो फिर आपको रिसर्च किए बगैर पॉसिबल नहीं है कि आप एक अच्छा टेक्निकल कंटेंट लिख सकेंगे लॉन्ग फॉर्म कंटेंट लिख सकेंगे सो uh, so, ये बेसिक टाइप्स हैं कंटेंट राइटिंग की जो हमने आज डिस्कस किए हैं और अलेदा, अलेदा भी सा, जो भी मोस्टली यूज्ड है ना लाइक बिजनेस के अंदर आम तौर पे जितना भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं Uh, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा कितना तजर्बा है एज अ कॉन्टेंट राइटर तो जो कुछ मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए आसान है सीखना वो सब मैं आपको करवाऊँगी सारा का सारा कॉन्टेंट राइटिंग तो नहीं मैं करवाने लगी बट uh, जो जो चीज़ें आप सीख सकते हैं और आपको दस्ती दस्ती समझ आएंगी और फ़ायदा देंगी uh, उनको हम लाजमी डिस्कस करेंगे बाकी अगर कुछ आप फर्ज जानना चाहते होंगे तो मुझे आप कमेंट्स में बताएंगे ना फिर हम उनके ऊपर नया प्लान बना लेंगे सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अब हम नेक्स्ट वीडियो अपनी देखेंगे जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कंटेंट राइटिंग की इम्पोर्टेंस क्या है बाय बाय काश. डॉट कॉम जीरो तीन सौ चार ट्रिपल वन फाइव सेवन एट सिक्स